सो हेलो इंडियन ओटाकूज, आई मीन डाई हार्ड फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम जिस एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं वो है मेक यू ब्लैक डंजन, ऑल्सो नोन एज द डंजन ऑफ द ब्लैक कंपनी। सो गाइज, बेसिकली ये कॉमेडी इसेकाई एनिमे है जिसमें आपको टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलता है। इसे IMDb और माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है और इसका पहला सीजन पूरा कम्प्लीट हो चुका है। पहले सीजन में आपको 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे और अगर आपको ये एनिमे इंग्लिश डब में देखना है तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि अब तक इस एनिमे के सिर्फ 5 एपिसोड इंग्लिश डब हुए हैं। ऐसे भी 2021 में ज़्यादा ऑसम या अमेजिंग एनिमेज तो आए नहीं है, बहुत ही कम ही ऐसे एनिमेज होंगे जिसने आपको इस साल इम्प्रेस किया होगा, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छे एनिमे रिकमेंड कर सके। तो अगर हम प्लॉट की बात करें तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है किन्जी निनोमिया, वो बहुत ही रिच होता है और इसी कारण से उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी। असल में क्या होता है गाइस, इसने ना ओवरसीज़ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था जिससे कि इसे काफ़ी फ़ायदा होता है, और जब इसका इनकम पूरा स्टेबल हो जाता है तब ये टोक्यो में अपने 3 अपार्टमेंट बनाता है जहाँ पर ये अपनी आराम से ज़िंदगी जी सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये एक इसेकाई एनिमे है तो इसके साथ भी वही कांड होता है जो कि हर इसेकाई एनिमे में होता है। ये किसी दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है जो कि मोस्टली डेमी ह्यूमन से भरा हुआ होता है और वो सभी यहाँ पर माइनिंग का काम करते हैं। इस दुनिया में भी किन्ची एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीना चाहता है, जिसके कारण वो वहाँ पर अपना एक दोस्त बनाता है जिसका नाम होता है वानीबे, और वो दोनों ही डीमोनाइट कलेक्ट करने निकल पड़ते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले। पर इसी बीच उनका सामना एक ड्रैगन गर्ल से हो जाता है और लीड कैरेक्टर के पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ ना होने के कारण वो दिमाग से काम चलाता है और वो उस ड्रैगन से एक डील करता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो और हम तुम्हें खाना देंगे। पर बाद में यही जाकर उनके पास बैकफायर करता है, क्योंकि जितने भी डीमोनाइट वो कलेक्ट करते हैं और जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो सारा पैसा इस ड्रैगन गर्ल के खाने में ही चल जाता है। और हमें आगे चलकर ये पता चलता है कि ये जो माइनिंग कंपनी है, इस माइनिंग कंपनी के मोटिव्स कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने वर्कर्स को मरते दम तक काम कराना चाहते हैं जिससे कि ये मार्केट में ऊपर रहे, और साथ ही वो वर्कर्स को ब्रेन वॉश भी करते हैं ताकि वो उनके गुलाम बने रहे जिससे कि वो अपने काम करा सके और वो कुछ सवाल भी ना करे। तो अगर आपको आगे जानना है कि स्टोरी में क्या होने वाला है तो आपको ये सीरीज देखना होगा, जो कि पूरा एकदम मज़ेदार सीरीज है, ना कि फुल टू कॉमेडी है। सो गाइज, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इस एनिमे में आपको टाइम ट्रायल भी देखने को मिलता है, तो अगर आप उस बेसिस पर इस एनिमे को देखना चाहते हैं तो ये आपको एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 7 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अगर हम ओवरऑल एनिमे की बात करें तो ये एक टाइम पास एनिमे सीरीज है जो कि कॉमेडी करने के अलग अलग प्रयास करती है, और हमें ये देखकर मज़ा भी आता है कि किस तरह जब भी हमारा लीड कैरेक्टर सक्सेसफुल होने वाला होता है किसी भी चीज़ में, तभी उसका बैड लक आ जाता है। और इस एनिमे में आप ज़्यादा एक्शन की उम्मीद मत कीजिएगा, पर हमें ये देखकर मज़ा आता है कि किस तरह बिना फाइट किए ही अपना जो लीड कैरेक्टर है वो बातों से ही लोगों को अपने तरफ शामिल कर लेता है। अगर आपको इसेकाई एनिमे पसंद है तो आप इस एनिमे को ट्राई कर सकते हैं और ये आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी, बस एक्शन की ज़्यादा उम्मीद मत रखना, बाकी सब ठीक है। सो गाइज, यही था इस एनिमे का रिव्यू के ऊपर वीडियो। होप सो गाइज कि आपको पसंद आया हो और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।